ना। दुर्गा विसर्जन के दौरान जो एक घटना हुई थी चाकू से मार के, तो उनकी कोई आपसी रंजिश सामने आई थी, तो उनको तुरंत जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया था, जिसमें डॉक्टर ने उनमें से एक मनीष कनाड़े नाम के व्यक्ति को मृत घोषित किया, बाकी दो घायल थे। उसमें चार आरोपी थे, जिसमें से चार में से तीन आरोपी, एक का नाम पवन है और एक अज्जू उर्फ तरुण और एक राहुल नाम के व्यक्ति है, ये सभी पुलिस हिरासत में है और इनको पेश कर दिया जा चुका है। इनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 302, 307, 201, 34 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, एक आरोपी फरार है? एक आरोपी फरार है, उसकी ट्रैकिंग में हमने उसको रखे हुए हैं, तो जल्दी उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे।